खबर शामिल करते हैं सरगोधा से 38 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए सर सैयद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सरगोधा में ट्रायल का इनाकाद। तफसीलात के मुताबिक 38 नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए पंजाब बॉक्सिंग फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम सर सैयद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रायल का इनाकाद किया गया, जिसमें मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, साहिवाल, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और सरगोधा डिवीजन से बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने शिरकत की। इस मौके पर पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर मोहम्मद परवेज प्राचा ने बताया कि पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम पंजाब बॉक्सिंग टीम के लिए ट्रायल्स मुनाकिद किए जा रहे हैं। बॉक्सिंग ट्रायल का इफ्तिताह पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद नासिर एजाज तोतक ने किया। ट्रायल में नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए 26 मर्द और 10 खवातीन खिलाड़ियों को मुंतखब किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जुल्फिकार अहमद, जो कि पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर भी हैं, ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों से जहां नौजवान नस्ल सेहतमंदाना ज़िंदगी की तरफ रागिब होती हैं, वहीं उनमें से अच्छे खिलाड़ी अपने अच्छे खेल से मुल्क व कौम का नाम भी रोशन करते हैं। ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसमें हिस्सा लें, जबकि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की जाएगी और उनको मुल्की सतह पर नुमाइंदगी का मौका फराहम किया जाएगा। सर सैयद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनाकिदा ट्रायल के दौरान बॉक्सिंग के खिलाड़ियों ने खूबसूरत खेल का मुजाहरा किया और मुखालिफ खिलाड़ी को जेर करने के लिए अपनी टेक्निक और मुक्काबाजी का खूब मुजाहरा किया। खिलाड़ियों का कहना था कि ट्रायल में कामयाबी के बाद वो नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भी अच्छे खेल का मुजाहरा करके मुल्क का नाम रोशन करेंगे। खिलाड़ियों ने ऐसे इवेंट्स के इनाकात को खूब सराहा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।